खुल जाए, बस खुल जाए। पिछले 10 मिनट से तो इस पे कोशिश हो रही है। चले जा अंदर यार, गाइस ये तार अंदर ही नहीं जाके दे रहा। क्या मैंने सबसे ज्यादा चाबियां घुमाई? चाबियां घुमाने में एक्सपर्ट है ये? क्या बात है भाई, ये जो रॉड है ना ये अंदर जाएगी, उसके बाद क्या होगा? इस रॉड से पूरी प्लेट ही आ गई। शर्मा रहा है यार, क्या बात है, तुम्हारी आवाज चेंज हो गई। आवाज ऐसे बोल रहे, ये बोल रहे, ये भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई लाइटें मैंने पहले नहीं खोली, मैंने सोचा पहले सलाम कर लेते हैं भाई। टक 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 टक, रोशन किया तो आ गई बाहर, वरना तो मुझे लग रहा था कि सब सो रहे हैं ना किचन में। हेल्प हेल्प कर किचन में, चल यार मम्मा पराठे बनाए ना। पबजी फ्री फायर में तो हेल्प हेल्प करती है सबकी, चल हेल्प कर उधर, चल चल। रेगुलर की तरह मॉम जो है वो पराठे बनाते हुए, और सबा के हाथों का हम क्या खाते हुए रोज रोज, सालन लस्सी। लस्सी तो मेरे हाथों की यार, मैं लस्सी वाला मैं हूँ क्या? थैंक यू मेरे लिए। तुमने बनाया है पर रहने दो, तुमने बना लिया, मैंने देख लिया। सब पूछे थे सबा, तो बोले वो रेसिपी बताई जो मैंने छोटे छोटे ग्लास बनाए थे ना स्ट्रॉबेरी वाले। तो गाइस ये मास्क जो पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, ये मैंने रखा है। बासिल को हमने डरा डरा के सुलाया है, बासिल का फेवरेट है स्पाइडरमैन, लेकिन डरता भी इससे बहुत है। अभी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं सुबह डराऊंगा उठकर। गाइस ये 2 दिन से यही पड़ा हुआ है, काफी जो है ना ये कंजेस्टेड लग रही है ये जगह पूरी, क्योंकि लुक खराब हो गया ना। तो इसको और इसको कल हम वहाँ पर घर पे रखकर आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं इफ्तारी पे, तो ये फिर बहुत बुरी लगती है क्योंकि लोग यहाँ बैठे होते हैं। ये कैसे आ गया? मेरा दिल बाहर आ गया। ओ ये कैसे आ गया? व्हाट इज कोई को तारीख, ये कैसे उठ के आ गया? मैंने बोला कौन चलती आ रहा है। इधर भी तक्के लगाया है, उधर भी तक्के लगाया है, ये बीच में सो रहा था, ये इधर से आया है। ये कौन छोटा आदमी आ रहा है? आज नहीं निकल आ जाओ दोबारा से, गाइस कोई नहीं करा दे वरना स्क्रीन बहुत खराब हो जाएगी आज। तो गाइस बैठ गया हूं सहरी पे, बासिल को जो है ना वो सुला दिया है। सहरी में आज है भाई निहारी। भाई निहारी जो है ना हमारी बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, आई थिंक दूसरी बार ही तीसरी बार आई है ना। दूसरी बार। The next day. तो यार मॉर्निंग और सहरी करके मैं डायरेक्ट से सो गया था, तो ये लोग जो है अभी इफ्तारी में भी खड़े हुए हैं, सहरी में भी खड़े हुए थे। भाई क्या आज तुम सोए नहीं हो क्या? जब मैं उठता हूँ आप लोग दरी खड़े होते हो, तो सोए थे नहीं? सोए थे नहीं, नहीं, सो के उठ के नमाज पढ़ के आराम से काम करते। अच्छा सारे काम हो गए, बताओ क्या क्या बन रहा है भाई? मम्मा सैंडविच बना रही है, मैंने समोसों का मसाला बनाया और जो मैंने स्ट्रॉबेरी वाली डिजर्ट बनाई थी वो बना रही हूँ। अगेन बना रही है उसको? अभी तक इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें डिशेज बताई है। मैं बताता हूँ यार, मेरा दोस्त जो बड़ी है भाई वो जापान वाला है, वो आएगा गाइस आज, हम लोग उस के साथ जो है ना वो इफ्तारी करेंगे और उसके साथ फिर मजे शजे करेंगे भाई। थोड़ी जापान की चीजें पूछेंगे कि वहाँ पर रमजान कैसे गुजरते हैं और यहाँ पर तुम्हें कैसा लग रहा है, और बाकी फिर वहाँ पर क्या क्या खाते हो और यहाँ पर क्या क्या खा रहे हो। भाई ये तो बताओ, तो रात को कैसे उठ कर आ गए थे? हैं भाई हमें लगा कोई भूत भूत आ गया छोटा सा भाई, चलते चलते भागते भागते कैसे दर्द गए थे ना उस उसी बंदे के पास? हाँ मोरे का था यार, मुस्लिम मोरे हटे हुए थे। हटे हुए थे बताया उसने? क्या पता था ना, वो 7-8 साल पहले भी हुआ था। फिर क्या किया उसने? वो उसने एडी से जो ना मोरे जो ना बिठाया, आवाज आई थी, आवाज आई थी कड़कड़ कड़कड़। उन्होंने बोला कि जमीन पर सो, बेड पर नहीं। मना कर दिया बेड पर सोने का। अभी किधर गया, किधर गया, किधर गया, खा जाइए उसको। खा जाइए उसको। सब्सक्राइब पप्पी कर दो, 1 2 पप्पी कर लो, पप्पी कर, पप्पी कर लो। तो गाइस इस बार मैंने अपनी टोपी धुलवाई ली, गाइस काफी जो है ना इसमें डस्ट लग गई थी, तो जब धुलवाई ना तो इतने सारे धागे आ गए, तो फटाफट से इनको काट लेते पहले। उल्टी टोपी तो लगा लो, इधर दिखाओ भाई पापा को दिखा दो, वाओ इतना प्यारा गुड्डा। सो गाइस मॉम ने रोली बनाना शुरू कर दी है अकेले। फरिया बना रही थी, फरिया का गई, फरिया को नहीं आ रही रोल, नहीं बनाना आ रहे, तो फिर आप समोसे ही मंगा लेती ताकि आपकी एफर्ट तो कम लगती। नहीं मैं बना रही हूं। अब आपकी ये भी लग रही है एफर्ट। गाइस मॉम ने पैरासोल बना ली है, अब सभा का मैं देख रहा था मीठा, तो मुझे वो याद आ गया, बताओ क्या, टिकटॉक पे जो चलता है टू डू टू 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 टू, ऐसे करते ना स्ट्रॉबेरी के साथ। अच्छा स्ट्रॉबेरी पे तुम वो भी जा सकती हो न्यूटेला। अबे दो खिला दी पहले भी भाई इसको, क्या पागल हो गए इसके पीछे क्या? गाइस गाड़ी इस तरह खड़ी है, मैं इस गेट से आया हूँ, अब उधर बैठूंगा। मैं बाहर निकल गया हूँ कुछ छोटा मोटा सामान लेना, तो पापा ने बोला कि यार मेरे तो कमर में दर्द है तुम ही ले आओ, तो चलते हैं और रस्ते से वो भी लेते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं भाई तरबूज लेने, अब तरबूज ढूंढ रहे भाई कौन सा मीठा और लाल होगा। ओए 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 सही लालम लाल निकला भाई। तो भाई तरबूज तो आ गया, अब देखते हैं और क्या लें। ले लिए समोसे और दही बड़े। रुको 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 रुको, भागो 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 भागो, एक जगह मैं लिया है ये देखो, पापा भी लिया है, बाप तो मुझे बोले थे मैं नहीं जा रहा आज, मैंने बोला तो मैं जाऊंगा ले आऊंगा यार। नहीं आपकी तो खराब थी, मैंने बोला मैं ले आता हूं, पापा भी लिया है। व्हाट अ खैर,
क्या हुआ बटक, घूम कर आया था के साथ बाहर? चलो 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 चलो, दो लोग नहीं चार लोग हैं भाई। चार लोग हैं, तुमने कितने का इंतजाम किया है? इंतजाम है ना भाई, ये जगह का जो इन्होंने जगह की है ना ऊपर बढ़ा दिया। हां नीचे नीचे इंतजाम करते हैं, नीचे रख ले। चीजें तो बहुत, पांच लोगों की, दस लोगों की भी है, पर हमने जस्ट खान की। नहीं नहीं नहीं, नीचे बैठेंगे अभी, नीचे बैठने मजा आता है। और हमारी एक अफ्तारी नीचे भी बैठ के हो जाएगी भाई। कुपर नमाज पढ़ी है, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ गाइस, पहले लेट गया उससे। इधर 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 गिर गया ना, गिर गया। इधर आओ इधर आओ, चलिए इधर आओ। वो बच्चे कहते ना नमाज पढ़ते पीठ पे चढ़ जाते थे, वो भाई कहते कर रहा है ये। उठो, ये सोने का थोड़ी पीछा है भाई, ये मेहमान आएंगे तो बैठेंगे। तो गाइस रोजा खुलने में आधा घंटा बचा है, आधा सेट हमने नीचे कर दिया है। बॉयज नीचे बैठ जाएंगे और गर्ल्स जो है वो ऊपर बैठ जाएंगे। गाइस आते साथ जो है वो दस्ता खाने बैठ चुके हैं, बड़ी जो है काफी जल्दी आ गए, सिर्फ 5 मिनट पहले आए। वो नीचे से ऊपर आते वक्त है ना। चलो गाइस, ये जो प्लेट जो है ना मेरी बना के सबने ही रख दी होगी, मुझे लग रहा है सबसे पहले। अब टमाटर, अब तुमने मेरी प्लेट बना के रखी है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी प्लेट ऐसे बनती है? तो गाइस सबकी प्लेट भी हो गई रेडी, खोले नहीं डाले सनी की प्लेट में यार। ले लेंगे ना ये, इधर आ गए, पूरी प्लेट ही आ गई। पर आवाज चेंज हो गई, मजा आ रहा है यार, शर्मा रही यार। ये क्या बात है यार, तुम्हारी आवाज चेंज हो गई। आवाज ऐसे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ये भी आ गई। बड़ी ये बताओ यार, जापान में तुम लोग अफ्तारी कैसे करते थे? मतलब यही सारी डिशे बनती थी, सब अवेलेबल है वहाँ पर क्या? अब हो गया। अच्छा, हम नए नए गए थे तब नहीं होता था इतना टेस्ट, ऐसा नहीं होगा। क्यों टेस्ट ऐसा क्यों नहीं होगा? पता नहीं यार, वहाँ पे ना असल में फ्रोजन का मसला है, एक तो फ्रेश नहीं है कुछ भी। अच्छा टेस्ट, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वहाँ पर ज्यादा मजा आता है यहाँ पर ज्यादा मजा आता है? रमजान हो गया इसलिए कराची। हाँ कराची, सिर्फ कराची, सिर्फ कराची, कराची के अलावा रमजान कहीं नहीं। चलो 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 चलो, अफ्तारी डन, और अब जो है ना मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़। चलो चलो चलो, तो भाई नमाज भी हो गई, अफ्तारी भी खत्म हो चुकी है। अब जो है ना पापा जो है ना वो पूछताछ कर रहे हैं कि भाई जापान में कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सब बैठ के बता रहे हैं। देखिए कितना प्यारा बना है आज। अब फटाफट सबको भाई भी दे दो, फटाफट दो फटाफट। और बिरयानी भी तो मंगाई थी, वो किधर गई? बिरयानी भी खानी है, खानी ना, पेट में जगह है ना, बस तो बिरयानी सबको निकाल के दो, उसके साथ मीठा जगह। ये मेरी बेगम जो है ना आजकल वो जो है ना वो कर रही है शेफ। पाकिस्तानी तकरीबन 20-1 लाख के करीब करीब, दो गाड़ियों ने, दो गाड़ियों, यहाँ पर गाड़ियों की बात हो रही है। वहाँ मालिक भी ना डेंटर पेंटर को मालिक बना के रखता है, वहाँ मालिक नहीं अपनी चलाता, जो डेंटर बोलेगा वो होगा, मालिक के लिए डेंटर पेंटर जो है सब चाय लाने में, हाँ मालिक हाथ बांध के करके खड़ा रहेगा। और डेंटर पेंटर डेंटर नवाब है, जितनी भी गाड़ी आती है जापान से वो डेंटिंग पेंटिंग के बाद ही आती है। तुम लोग को लगता है कि न्यू गाड़ी आती है, बट इनके हाथ से गुजरती है ऑक्शन से, फिर वो बनती है, फिर वो पाकिस्तान आती है। सो भाई मेहमान जो है वो आपसे जा रहे हैं, वासिल अंदर आ जाओ बेटा, आपका क्या काम बाहर जाने का? जरा अंदर आओ, शूज पहन लो, शूज पहन लो, आ जाओ फिर चलेंगे बाहर। हाँ शूज पहन लो। गाइस मैं नीचे आया अभी बड़ी को जो है ना सी ऑफ करने, बट यहाँ पर पता लगा कि भाई मेरी गाड़ी की चाबी जो है ना वो गुम हो गई है। गाइस चौकीदारों ने भी कब से देख लिया भाई, शाम से देख रहे हैं, उनको भी नहीं मिली। अब समझ नहीं आ रहा कि मिस कैसे हुई, अब बड़ी मिस तो हो गई है, ये उसका चांस क्या खुले ही कैसे ही? अब जब तक चाबी नहीं है नहीं खुलेगी, खुल नहीं सकती है नहीं। वैसे अगर कोई टोटका लगाए जापानी तो फिर क्या हो सकता है? शीशा तोड़े। ये नहीं करो यार बड़ी, वहाँ तो इजी बन जाता होगा, सस्ता मिलता होगा। नहीं भाई क्या हो गया, वहाँ पर ही महंगा मिलता है, 1 लाख रुपए तो ऊपर है। ओए ओए ओए, यहाँ तो फिर बहुत ज्यादा महंगा होगा। लेकिन अभी कोई वही और हल नहीं है, चाबी के बिना एक ही हल है, फिर वो कंप्यूटर वाला आके अपने डायग्नोस करके खोलेगा। अच्छा कंप्यूटर वाला खोलेगा भाई, क्या हुआ, कहाँ से मिलेगी चाबी, क्या लगता है? किसी गाड़ी में छोड़ दी मुझे लग रहा है यार, गाड़ी चाबी अंदर वगैरह होती, इधर भी चाबी नहीं है। गाड़ी जो पहले चौकीदार होते ना उनकी जेब में थी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी आगे पीछे की है, किसी गाड़ी में छोड़ दी, और अब वो मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ चाबी मुझे देता हूँ ना, क्योंकि लोग आगे पीछे कर, हाँ यही की थी, यही की थी, उसके बाद हिली नहीं है। एक मरतबा कर लेता हूँ रूम चेक यार, खोलो मम, चाबी नहीं मिली नीचे। हाँ, देखा यार चाबी, इधर देख लेता हूँ गाइस में, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ देखना पड़ेगा, फूड वालों के पास। फूड वालों के पास क्यों? हो सकता है सही कह, गाड़ी आपकी आउट होती है ना गाड़ी से, तो वो दे अलार्म करता है। यहाँ से बात चाबी मिली कहीं आपको? नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मिली। कोई मैं फ्रूट में दल गई हो कहीं, कुछ ऐसा हुआ? मुझे लग रहा है कि आपने इनको नीचे गार्ड्स वगैरह को दी होगी ना, उन्होंने वो सारी चाबी एक साथ किसी गाड़ी में। पापा
ये तो गाड़ी का मसला आ गया। अभी बड़ी बोल रहा है कि वो उसको मीटर वाले को बुलाना पड़ेगा फिर खुलेगा, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको चाबी बनवानी पड़ेगी, चाबी बड़ी महंगी आती है इसकी। या रब्बे मूसा या रब्बे करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इससे चाबी मिलेगी, पढ़ते रहो। हाँ, कोई भी चीज मिलेगी, कोई भी। लेकिन वो मेरे से थोड़ी खुई है, एक तो होता है कि मेरे से खोई हो, लेकिन शायद मिल जाएगी। आयते करीमा पढ़े, किसी से भी खोई हुई होगी आपकी चीज आपको मिल जाएगी। मैंने तो कहीं रखी भी नहीं है। होता है ना कि मुझे याद हो कि मैंने रखी है, घर लाया तो मैंने तरह रख दी, मैं ऊपर लेकर आया ही नहीं, तो ये अब इशू हो गया यार। चौकीदार से ना आगे पीछे हो गई, ये कंफर्म हो गई है, वरना कभी ऐसा हुआ नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है तो फिर मसला खराब, मतलब ये चौकीदारों से ही हुआ, लाइक उनसे ही हुआ है, कंफर्म बता रहा हूँ। एक होता है ना कि आप ब्लेम कर रहे होते हो, लेकिन कंफर्म आगे पीछे हो गई, वो मिल जाएगी, क्योंकि एक बार भैया की भी हो गई थी, एक बार ऐसी का, लेकिन उसके तो चलो ऑल्टो है तो वो आप कहीं से भी नॉर्मल जगह से ही बना सकते हो, लेकिन अभी ये इस गाड़ी को तो भाई ये फ्रांस से जाना पड़ेगा यार, फिर फ्रांस शोरूम जाना पड़ेगा, वो मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस नीचे आ गए, और भी जो है ना गाड़ी का काम शुरू हो गया है भाईजान, गाड़ी को खोलने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है वैसे ही खोलने की कोशिश, फिर उसके बाद वो इसकी स्मार्ट की उसमें प्रोग्रामिंग करेगा। अच्छा, उसमें प्रोग्रामिंग होगी। वो पुरानी वाली की अगर मिल गई तो वो फारिग हो गई फिर? नहीं, अच्छा हो जाएगी, जैसी देखो मिलेगी बता दे। अरे वाह, अभी न्यू रिमोट मिलेगा? अभी रिमोट हो। अच्छा, रिमोट दिखाओ यार। अरे वाह, और रिमोट भी सेम आया है भाई। वाह यार वाह, बड़ी ये वही, ये अच्छी बात है जबान जाने की, क्या समझे? एक बार कर, बड़ी अच्छी बात है ये। आज तू नहीं आता दावत पे तो क्या करता मैं इसका? फिर तो बैठा रहता भाई। अभी इसका जो ना ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, और अभी पता लग जाएगा कि भाई इसमें जो है वो इसका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है। भाई डर लग रही है मेरे को, कुछ टूट टूटा ना जाए। या अल्लाह, खुल जाए, बस खुल जाए। पिछले 10 मिनट से तो इस पे कोशिश हो रही है। चले जा अंदर यार, गाइस ये तार अंदर ही नहीं जाके दे रहा। क्या, मैंने सबसे ज्यादा चाबियां घुमाई, चाबियां घुमाने में एक्सपर्ट है ये? क्या बात भाई, ये जो रॉड है ना ये अंदर जाएगी, उसके बाद क्या होगा इस रॉड से? लॉक खुलेगा, इसी रोड से खुलेगा गेट। ओ भाई गाइस, तार जो है ना वो अंदर जा चुका है, और अब जो है ना बस खुलने के कगार पे है, बस लॉक पे, लॉक पे लग चुका है भाई। खुल जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा भाई, खुल जा खुल जा। ये फंस रहा है, फंस रहा है, फंस रहा है, फंस रहा है, ये फंसा, और ये खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। इधर तार को थोड़ा सा घुमा के लगा, अब थोड़े से चांसेस लग रहे हैं भाई। काफी जो है ना वो मुश्किल हो रही है लॉक खोलते, क्योंकि इसका जो लॉक है ना वो थोड़ा सा हार्ड है। अब वो हार्ड की वजह से ना जो तार जो है ना वो भी ना घूम जा रहा है। तार अगर काफी मोटा होता तो शायद खुल जाता, लेकिन अब तार मोटा कहाँ से इसके अंदर जाता, तो पतला तार रखा था कि वो शीशे से चले जाए। गाइस वापसी बाहर निकाल लिया तार को, नहीं खुल रहा था। अब तार को हम जो है ना मोड़ लें, मतलब बस तुक्के का काम है गाइस। ये खुल गया तो खुल गया, नहीं खुला तो फिर इधर लटके ही रहे। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, उई थोड़ा सा रह गया है। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ओए भाई फाइनली भाई गेट खुल गया। मैं जरा सा इधर उधर हुआ चेक करने के लिए कि क्यों नहीं खुल रहा, इतने में खोल दिया है। हाय मेरी गाड़ी, ओए मेरी गाड़ी खुल गई फाइनली। अब जरा रिमोट चेक कर लूं, अंदर तो कोई नहीं है। अंदर 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 स्विच ऑन करूं? 1 2 3 नहीं है, की नॉट डिटेक्टेड। गाइस की बाहर ही है, देखा गाइस। अब जो है वो मेन काम होने लगा है, एक तो बस लॉक खुल गया है, अब जो है ना वो प्रोग्रामिंग करेंगे की के अंदर, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, वरना गाड़ी स्टार्ट करना काफी मुश्किल है। तो गाइस पीछे चल रहा है भाई लेट के काम, जो कि अब होगा सॉफ्टवेयर का काम, तो इसमें भी 20-25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। तो यस, तो करते हैं वेट और देखते हैं भाई गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती। तो गाइस पापा भी आ गए, पापा गेट खुल गया है, स्टार्ट हो गई गाड़ी नहीं, अभी होगी, अभी हो रही है, हो जाएगी काफी मुश्किल से खुला गेट, टेंशन आ गया थोड़ा गाड़ी पे। ये इधर और ये थोड़े से आए, क्योंकि इधर से खुला था, बहुत सारे तो वैसे भी आ चुके हैं हमारी गाड़ी। तो गाइस बड़ी कोशिश की यार, बट गाड़ी जो है ना अभी तक नहीं स्टार्ट हो सकी। एक बजने वाला है, अगर जब से गाड़ी मेरी बंद हुई है ना, जब से मैंने ब्लॉग डालना होता है, तो मेरा ब्लॉग भी आज अपलोड नहीं हो सका, क्योंकि नीचे गाड़ी की तरफ ही बैठा हूँ। अब पता नहीं कब खुलेगी भाई, जब तक नहीं खुलेगी सुकून ही नहीं आएगा गाइस। बट अगर नहीं खुली तो फिर सैरी यहीं करनी पड़ेगी क्या? बाहर ही गाइस, बड़ी भी साथ ही, बड़ी बोल रहा है आज मैं गाड़ी खुलवा कर ही जाऊँगा। अब गेट खुल गया तो गेट खुल के क्या करेंगे, अंदर सोएंगे क्या? एक कोई तार है पता नहीं, वो नहीं मिल रहा बड़ी, क्या कहते हैं उसको, इग्निशन स्विच का फ्यूज। अच्छा गाइस वो नहीं मिल रहा, तो बड़ी बोल रहा है कि जो ये क्रोला वरोला टाइप गाड़ी जो होती है ना ये, और ये जो है ना वो इजीली इनकी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये इजीली ऑन हो जाती है, इनके इजीली जिनके सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। बट इसका समझो ये आईफोन है मेरी गाड़ी, और हम इसको आईफोन को हैक कर रहे हैं। अच्छा गाइस स्पेयर की जो है ना वो नहीं दी थी शोरूम वालों ने, मरना मेरे पास पड़ी होती है। पेपर्स के साथ देखी ना? नहीं थी। अब तांत्रिक टाइम देख, डेढ़ भी बज गया, अब नहीं ठीक हो रही, मैं क्या करूं, मैं निकल यहां से। चाबी कौन बना रहा है? अबे तू इसमें कुछ दम जम पड़ी, आज के अंदर सो जावे, क्या पता ठीक हो जाए, चल सो जा इसके अंदर। किसको बुलाया? अबे काम करने वाले को बुलाया, किसको क्या बुलाया, भाग जाएंगे ऐसे मत। बुलाया बड़ी पान ने, बुलाया अबे फिर तो काम तमाम हो गया। बड़ी पान ने बुलाया, काम तमाम।
तो गाइस ऑलमोस्ट 2 बज गए और हमने फ्राइज वगैरह मंगा लिए, भूख लग गई थी काफी और गाड़ी का काम गाइस गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई गाइस, मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक कर सकते, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे तो नामुमकिन लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। तो गाइस 15-20 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर इनको घर भेज देंगे, फिर हम भी घर जाएंगे। सो गाइस अब 2:30 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भाई ऊपर वापसी। अब टमाटर यार आज तो अफसुर्दगी हो गई यार, बैठ लगे। अबे कोई नहीं, अभी सुबह वो आ रहा है भैया, उसको बोलेंगे सुबह सुबह मैनेजर को फोन कर दे शोरूम वाले। अबे हाँ यार हो जाएगा, कल हो जाएगा। कहाँ गए थे? अबे ऊपर से देखती तो दिखते ना, नीचे ही थे यार, गाड़ी की चाबी खो गई। हाँ तो यार अब जो है ना इस व्लॉग को जैसे एंड कर देते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा व्लॉग को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो। अब कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा हार्ड है इसका काम ना, तो कल कॉल भी करेंगे शोरूम पे, हमने तय कर लिया है, दोपहर में भी आएंगे इसको काम करेंगे और हम शोरूम पे भी कॉल कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे चाबी जो है उनके पास एक्स्ट्रा है नहीं है कि शोरूम वालों ने नहीं दी, क्या पता उनके पास हो तो फिर उनसे ले लेंगे। वैसे हमने गाड़ी चला नहीं सकता। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो और खुश रहो, थैंक यू।